हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? मैं हूं शागुता और आज आ गई कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिंस और मटेरियल के बारे में, जो कि जिनके घर में पेट है सबके घर में रखना चाहिए। जैसे कि मेरे घर में कैट्स है तो मैं भी ये घर में अवेलेबल रखती हूं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट है। सबसे पहले मैं बात करूँगी एक पाउडर के बारे में, इसका नाम है भेक्को पाउडर। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर आपकी कैट या डॉग की बॉडी में टिकल फ्लेस की प्रॉब्लम है तो आप यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा। अगर वो ज़्यादा इचिंग कर रहे हैं आपको लग रहा है तो ये भी यूज़ कीजिए। 3 इयर्स हो गया मैं यूज़ कर रही हूँ। 100 ग्राम का प्राइस है, 190 रुपीज़, ज़्यादा प्राइस का नहीं है पर इफ़ेक्टिव बहुत है। नेक्स्ट बात करेंगे और एक पाउडर के बारे में, जो कि हिमालया कंपनी का एरिना ईपी ये पाउडर। इसका ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं पर इसका काम भेक्को से थोड़ा मुझे कम लगता है। तो नॉर्मल यूज़ के लिए अगर आप लगाना चाहते हैं तो ये यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप अगर चाहेंगे कैट का बॉडी को थोड़ा ड्राई रखने के लिए, यूज़ करने के लिए, तो ये लगा सकते हैं। इसका 150 ग्राम का प्राइस है, 220 रुपीज़। ये नॉर्मल पाउडर के हिसाब से काम करते हैं पर इसका इफ़ेक्ट टिकल फ्लेज या इचिंग में इतना इफेक्टिव नहीं होता है। और नेक्स्ट मैं और एक पाउडर के बारे में बात करूंगी, जो कि इसका नाम है एक्चुअली नोटिक्स पाउडर। और ये एक्चुअली अगर आपकी कैट या डॉग की बॉडी में फंगल का कुछ प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा इचिंग कर रही है, स्क्रैच कर रही है, टिकल प्लेस के साथ साथ फंगल ग्रोथ हो रहा है, रेनी सीजन है अभी, तो अभी बहुत फंगल प्रॉब्लम होता है कैट्स या डॉग के बॉडी में, तो ये यूज़ कीजिए। इसका प्राइस है 250 रुपीज़, 100 ग्राम को। थोड़ा सा कॉस्टली है पर बहुत इफ़ेक्टिव है। रिसेंटली मेरा कैट के बॉडी में थोड़ा फंगल प्रॉब्लम हो रहा है, मैं ये यूज़ कर रही हूँ। उसके साथ साथ एक लोशन भी यूज़ कर रही हूँ जो आप लोगों से शेयर करूँगी, बहुत ही इफ़ेक्टिव है और ये घर पे रख सकते हैं। जो लोशन के बारे में मैं बात करूँगी जो फंगल या इचिंग में काम पर आता है, ये वाला लोशन है एल्मिजॉल। ये अच्छे से लिख के रख दीजिए, एल्मिजॉल। ये बहुत इफ़ेक्टिव है, आप ये दिन में एक बार करके लगा सकते हैं और 3-4 दिन में मेरा कैट के बॉडी में जो सीवियर फ्रांगल प्रॉब्लम होता ख़त्म हो गया। इसका 50 ml का प्राइस है 97.80 रुपीज़, ऑलमोस्ट 98 रुपीज़। थोड़ा कॉस्टली है पर बहुत इफ़ेक्टिव है। मेरा कैट का जो भी फंगल प्रॉब्लम था वो ये लगाने की वजह से ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट जो मटेरियल के बारे में हम बात करेंगे वो है शैम्पू। तो एरिना का ये शैम्पू ये नॉर्मल यूज़ के लिए ठीक है पर मुझे लगता है इस शैम्पू यूज़ करने टिकल फ्लेस का प्रॉब्लम तक कम होता है। अगर आपके बॉडी में थोड़ा सा फ्लेस का दिखाई दे रहा है प्रॉब्लम है वो ख़त्म होगा, पर स्किन थोड़ा सा मतलब हेयर थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। तो टिकल फ्लेस के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है ये वाला शैम्पू, 260 रुपीज़ लेता है और ये नॉर्मली ठीक ठाक है, इसका रेटिंग मैं दूँगी। और नेक्स्ट जो और एक शैम्पू के बारे में बताऊँगी, अगर आपका कैट या डॉग का जो फर है उसको आप स्मूथ शाइनी करना चाहते हैं तो साइन एंड मी कंपनी का एप जो शैम्पू है ये थोड़ा कॉस्टली है, 150 रुपीज़ लेते हैं, ओनली 50 ml को 150 रुपीज़। थोड़ा सा क्वांटिटी में बहुत अच्छा काम करता है और रेनी सीजन में मैं कोशिश करती हूँ जब थोड़ा धूप होता है इनको नहाने के लिए, ज़्यादा नहाना भी ठीक नहीं है क्योंकि इनका बॉडी अगर वेट रहेगा, गीला रहेगा तो ज़्यादा फंगल प्रॉब्लम होगा। पर समर सीज़न में हर मंथ को मैं इनको नहा देती हूँ, तो ये वाले यूज़ करने से उनका जो हेयर कोट है बहुत ग्लेजी रहेगा, शाइनी रहेगा, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट बातें करूँगी एक कंडीशनर के बारे में, एलोवेरा कोट कंडीशनर। अगर आपका कैट के बॉडी में आप नहा नहीं पा रहे, थोड़ा सा स्मेल हो रहा है, इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, 315 रुपीज़ लेता है, 150 ml या 200 ml इसका क्वांटिटी है, थोड़ा कॉस्टली है। अगर आपके कैट के बॉडी में थोड़ा सा स्मेल हो रहा है और आप उसको नहाना नहीं चाहते हैं या फिर नहा नहीं पा रहे ठंडी मौसम में तो ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें नहीं बोलूँगी कि ज़्यादा शाइनी होगा पर एक अच्छा खुशबू डिओड्रेंट का ये काम करेगा। नेक्स्ट आऊँगी एक मल्टी विटामिन के बारे में, कैट स्टर है। इसमें बहुत सारा विटामिन रहता है, फैटी एसिड रहता है, ओमेगा फैटी एसिड, जो कैट का स्किन को अच्छा रखता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, कैट का जो ग्रोथ है उसको भी बूस्ट करता है। तो इसमें बहुत सारा मल्टी विटामिन है, ये आप कोशिश कीजिए कंटिन्यू पूरा 7-8 दिन इसको पिला दीजिए, फिर 2-3 महीना फिर स्टॉप कर दीजिए। तो कैट को अगर खाने में कुछ नहीं मिल रहा है तो सारा इसमें मिल जाएगा।
और इसका प्राइस है 210 रुपीज़ 100 ml को। अब इसका बड़ा फाइल भी मिलता है, आप लेके रख सकते हैं, पर ये पिलाने से आपका कैट को हर तरीके से मल्टीविटामिन मिल जाएगा और कैट का इम्यूनिटी अच्छा रहेगा, ग्रोथ अच्छा होगा। नेक्स्ट बातें करूँगी हिमालय लिप 52 के बारे में। अगर आपका कैट का थोड़ा ज़्यादा खा नहीं रहे, आपको उसका भूख कम है या हेपेटिक कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इंडाइजेशन हो रहा है, तो ये आप पिला सकते हैं। इसमें कितना अमाउंट के पिलाना है सब इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप पढ़ के लगा खिला सकते हैं। ये मैं 7 to 8 days कंटिन्यू इनके दिन में एक या दो बार पिला देती हूँ, फिर स्टॉप कर देती हूँ, तो कैट अच्छे से खाता है। नेक्स्ट आऊँगी यूरिन ऑफ के बारे में। एक सॉल्यूशन है, अगर कैट जहाँ पे थोड़ा स्प्रे करते स्मेल होता है इसमें यूज़ कर सकते हैं, पर मैं पर्सनली इसको रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि मैं यूज़ की हूँ, इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। कॉस्ट बहुत ज़्यादा है पर इतना इफेक्टिव नहीं है, तो बेटर है कि इसको यूज़ मत कीजिए। और भी कुछ मेडिसिंस है, नेक्स्ट कोई वीडियो में आपको बोलूँगी। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिंस है जो अच्छा, बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं खुद यूज़ की हूँ, इसलिए आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी, पर एक वीडियो में इतना ज़्यादा लॉन्ग करना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को डेफिनेटली दिखाऊँगी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिंस जो कि घर पर रखना चाहिए और कैट के ऊपर भी बहुत अच्छा इफेक्ट करते हैं। बस और एक लास्ट वाला चीज़ें दिखाऊँगी मैं, ये होम्योपैथिक मेडिसिंस, ये है SBL का क्लियर स्टोन ड्रॉप्स बोल के, जो कि कैट अगर ड्राई फ्रूट ज़्यादा खा रहे, जो मेरा कैट जैसे ड्राई फ्रूट ज़्यादा खाते हैं, तो मे भी उनका किडनी में कुछ स्टोन होने का चांसेस रह जाता है, इसीलिए मैंने ये यूज़ कर रही हूँ, रिसेंटली यूज़ कर रही हूँ, मुझे पता नहीं है कितना इफेक्टिव रहेगा, पर यूज़ करने के बाद मैं इसका रिव्यू ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। तो आज के लिए वीडियो यहीं पे ख़त्म करते रहेंगे, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नया टिप्स लेके। अगर वीडियो अच्छा लगा एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तब के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।